गुड मॉर्निंग, नई सुबह हो गई है और एक नया सूरज उगा है हमारे लिए। आज बादल ज़्यादा हैं तो सूरज देवता थोड़ा ढके रहेंगे, ब्लैंकेट सूख जाएगा शायद। वैसे अच्छी बात रही कि रात को हमें बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगी, क्योंकि तो ब्लैंकेट्स सूख रहे हैं। एक ब्लैंकेट को हमने ऐसे हैंग कर दिया है ताकि धूप तो कम है, देखो बिल्कुल सूरज देवता चले गए हैं, सूख जाएंगे। आज दूसरा ब्लैंकेट भी धोने का प्लान था बट मुझे लगता है पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैट्रिस को सुखा लेंगे थोड़ा सा और एक आपको मस्त चीज़ दिखाता हूँ। सुबह जल्दी उठता हूँ मैं लोकेशन के हिसाब से, वैसे जल्दी उठा था मैं। अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो ये देखो, नहीं इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि सामने से लाइट आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त एक टाइम लैप्स बनाया मैंने, ये रील्स वाली उसमें फॉर्म में है तो शॉर्ट्स में मिलेगा आपको या फिर इंस्टाग्राम पर तो 100% आएगा ही आएगा। और आपके लिए एक नया व्लॉग रेडी हो रहा है। गुड मॉर्निंग, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर। एज यू नो कि हमने वो एक कंबल कल धोया था, उसके अलावा दो ये वाले कंबल कल धोए थे क्योंकि हमने कल बहुत अच्छा काम किया था, दूध दही मिश्रण जो हमने कंबलों पर गिराया था। सो जो ये बड़ा वाला ब्लैंकेट था, रात को पता चला कि इसके एज पे भी, एक एज पे भी दूध गिरा था। सुबह फिर इसको क्लीन करके अभी से निचड़ने के लिए छोड़ दिया है। और हाँ, ये अब निचड़ जाएगा और फिर आज धूप तो है नहीं, लेकिन बस प्रे कर सकती हूँ भगवान से कि कुछ कर लें। ये पहाड़ी लोग हो गए, अब ये ट्रेल्स नहीं ढूंढते, कहीं से भी चढ़ जाते हैं और उतर जाते हैं। सो, ये देख के आप समझ गए होंगे कि हमारा वही थैला है जिसे लेकर हम नहाने जाते हैं। सो, कल एक आंटी जी आए थे हमारे पास, तो वो मिले थे और उन्होंने कहा कि चलो भाई हमारे घर और नहा के आओ। सो, बस जा रहे हैं सुबह सुबह कि सो दैट टाइमली फ्री हो जाएंगे हम भी और वो भी, और फिर खाना वाना खा लेंगी क्योंकि हमारा खाना तो बना पड़ा हुआ है। और वो देखिए वहाँ पे दोनों भैया पानी लेकर आ रहे हैं, पीने का पानी है ना। ओके, जाम। सो इन पगडंडियों से चल के होकर हम जा रहे हैं, यहाँ पे है आंटी जी का घर ये वाला, और यहाँ पे हम लेंगे शावर। और ये है, यस, शावर। एक्चुअली बहुत लोगों ने इस पे मतलब बहुत हंसे, बट ठीक है यार, हंसने की कोई तो वजह मिलनी चाहिए लाइफ में। कीप लाफिंग। सो ये हम पहुंच गए हैं, ये हम पहुंच गए आंटी जी के घर। और ये देखो, ये है अनारदाने का पेड़। और ये देखो, चलो जी, आकाश तो पहले ही पहुंच गए। तो फत लाया। आंटी ने दे दिया हमें अखरोट खाने के लिए, तब तक मैं एंजॉय करती हूँ। सो मैं तो हो गई हूँ नहा धो के एकदम फ्रेश, और धूप एकदम मस्त आ रही है मेरे पे। और आंटी जी भी कुछ नए नए काम करने लगे हैं। दी ने पानी गर्म करके दिया हमें हमाम के अंदर, और आकाश गए हुए अभी नहाने। अच्छा, आओ दिखाई देती हूँ मैं आपको। ये देखो, मैं कपड़े धोकर आई हूँ तो ये निचोड़ के उसको सुखाने रखे हैं। सो मैं अब आराम करती हूँ। ये देखो हमाम किस तरह से जलता है। क्या हमें उत्तराखंड में ऐसा पेड़ नहीं मिला ना अखरोट का जिसमें अखरोट सही होता। आंटी मैं गले में स्टॉपी थी। अच्छा। हमने 6 महीने या 8 महीने ठीक नहीं करा, ऐसा ही कर दिया हमने काम तोड़ दिया और फिर कराया ठीक। तो ये अब कब पहनते हैं, जब कोई पूजा फंक्शन हो। आपको नहीं है कोई टेंशन? ना ना, मैं नहीं मानता ऐसा, नजर आने होते नहीं ऐसा, मैंने ऐसा भी करना है ऐसा भी करना, आपको नहीं लगाना। देखो आंटी, ऐसा है ना, अगर हम उस हिसाब से चलते हैं ना तो हम ट्रैवल नहीं कर पाते, घूम फिर नहीं पाते। मान लो मैं बोलता कपड़े तू ही धोएगी,
चलो आपको एक छोटे छोटे क्यूटी पाई से मिलाते हैं जो कल परसों ही इस दुनिया में आया है। कहाँ है गैया रे मैया? वो वहां पे छोटा दीदी, आप ही ले जाओ अंदर, क्योंकि मैं तो बहुत डरती हूँ। कुछ भी नहीं करेगी, मैं डरती हूँ गाय से। ऐसे ही आप ले जाओ, वो छोटा छोटा बच्चा है वहां पे, प्यारा प्यारा बच्चा है। कितने दिन का हो गया दीदी ये? दो दिन का, कल की हुई है दीदी। दो दिन का। गैया रे मैया, मैं मतलब ऐसे मुझे पसंद है। पता नहीं गाय और भैंस के पास तो मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ, कुछ नहीं करती है। देखो मुझे आकाश है ना, वो साइड खड़े करके मैं अलग साइड से चलती होती हूँ। ऐसे मुझे प्यारे भी बहुत हैं। अच्छा। बस मैं पास नहीं जा सकती हूँ, खाने को दे दूंगी सब कुछ। नहीं कहीं होते ना मारने वाले, पर ये नहीं मारने वाले तो नहीं, वो तो मतलब दिख जाता है बिहेवियर से, बट पता नहीं वो एक अंदर से है कुछ, मैं चांस नहीं लेती होती। बड़ा क्यूट है। अच्छा उठ रहा है अब। गौरी मैया। तो ये है आंटी के सेब का बगीचा, और आंटी ने अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट किया अपना घर, बहुत ही प्यारा है। हम इतने दिन से सेब सेब के आपको दिखा रहे हैं, और अब देखने वाली बात है, ये है बादाम का बगीचा, जो कि मैंने भी बहुत टाइम बाद देखा है। बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पे मुझे बहुत ही डिलीशियस फ्रेगनेंस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मिड डे मील्स भी मिलते हैं किड्स को। रियली गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। भाई इतने दिन से दीदियों को तो देखा है काम करते हुए, आज हम देख रहे हैं भैया को आटा नीट करते हुए। भैया क्या खिला रहे हो आज? हम आज खिला रहे हैं जी मूली के पराठे। अरे वाह, मूली इसमें हमने ग्राइंड कर दिया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड आपको देख के बोलने लगे हैं। सही है। तो भाई भैया बना रहे हैं आज मूली के परांठे। और भैया आपका? अच्छा, हम तो बच्चों के साथ बिजी हैं। हाँ ये भी सही है। हाँ। तो हम कच्ची मूली खा लेते हैं। हम सैलेड खा रहे हैं, पराठा ला के दे दो। हाँ जी बस मैं ला रही हूँ भैया। तो फाइनली वो दिन आ गया कि आकाश की फैन फॉलोइंग बढ़ गई। सो यहाँ है पहले आकाश के फैन और सेकंड फैन, जो आकाश के साथ फोटो खिंचवाने आए हैं स्पेशली फ्रॉम द स्कूल। स्माइल, आ जाओ आप भी आ जाओ। सो हमारा आज का डाइनिंग इज रेडी एंड एंजॉय कर रहे हैं विद लॉट ऑफ ब्लैंकेट्स अराउंड और बहुत सारे कपड़े एंड बहुत सारा मेस भी समझ लीजिए, बट ये एक ब्यूटीफुल व्यू भी साथ में है, कांट मिस दैट। GoPro रहता है, शर्माने की कोई बात नहीं है। तो जैसे हमारे पास गैजेट्स हैं, फ़ोन है, GoPro है, और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं है ना, वो सब चार्ज करने के लिए भी अंदर एक छोटा सा इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, वो है। देखना चाहोगे? प्लीज़ कम, चलो दिखाते हैं। पहले आप हाई कर दो। सब भी हाई करेंगे। ओ आराम से आकाश में जाने के लिए साइड कर दो। तो अभी हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स आ गए हैं खो खो के।
मनन खो 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 दे ऑलरेडी नो द नेम फिर आप हमें मैसेज करना आपका नाम क्या है काम तो आप मैसेज करना कि मैं काम ना फोटो सो ये स्कूल से बच्चे आए हैं हमसे मिलने एंड दे आर आस्किंग फॉर अ फोटो तो हमने कहा कि बिल्कुल भाई बच्चों के लिए ही खड़े हैं हम इसमें कोई कंजूसी नहीं है हैप्पी ना अब क्लिक करें फोटो आ जाओ गाड़ी के पास मैं एक पिक्चर भी क्लिक कर देता हूँ इसमें नहीं वो थोड़ा गाड़ी की क्लीनिंग कर रहे थे ना इसलिए गाड़ी का सामान बाहर निकाल रहा था क्योंकि हमने आज गाड़ी का रिव्यू बनाया और वहाँ से आकाश अच्छा अभी इसमें छोटे छोटे दिख रहे हैं ये देखिए हमने दो बहादुर जवानों को लकड़ियां लेने भेजा लेकिन आज दो दिन के बाद कुछ कमाल कर पाए हैं मोटे मोटे से लकड़ियां ला पाए हैं वेरी गुड आकाश तो इतने बिजी है लाइफ में कि यहाँ भी फोन पे लगे हुए हैं सो अब चलते हैं हमारे आशियाना की तरफ देखिए वहाँ क्या क्या बन रहा है बाहर तो आज बहुत कचरा मचा दिया और पता नहीं कब सिमटेगा ये आई डोंट नो लेकिन बेड बड़ा अच्छा लग रहा है आज और आज हमने अपना सेट कर दिया है एनेक्स रूम और इसके अंदर चल के देखें तो यहाँ बन रहे हैं फ्राइड राइस क्योंकि आकाश और मुझे लग जाती है भूख बहुत जल्दी ऑल्दो हमको आज इनविटेशन है हंडोरा एंड एचआर पाजी की तरफ से कि डिनर उधर ही है तो जाएंगे लेकिन आकाश को भूख लग जाती है 5 बजे ही तो उनके लिए थोड़ा सा तो कुछ बनाना ही पड़ेगा नहीं तो उनकी भूख से हाल हो जाएगा बेहाल और यहाँ है किटी पार्टी हमारे यहाँ सो हमारी लाइट यहाँ लग गई हुई है डिनर हमारा रेडी है आकाश भी आ चुके हैं और मैं भी रेडी हूँ अब बस जल्दी जल्दी खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है और जो गेस्ट आ रहे हैं आज वो काफ़ी लेट हो गए हैं मतलब डिस्टेंस काफ़ी था वो जम्मू से आ रहे हैं आज मतलब मायके वाले आ रहे हैं मेरे चलिए जब वो आते तब आपको उनसे मिलाते तब तक के लिए हम खाना खाते हैं आज हम खाना खाएंगे अपने नेक्स्ट रूम में ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको मजा फिर से पूरी फैमिली आज इकट्ठा बैठ के खाना खा रही है भाई देखो मजा अलग है डालो जी डालो जल्दी डालो और आज बने हैं जी ये अपना सैलेड है वो चावल छोले की सब्जी है रोटियां बनी है और जिसने अपना अचार लेना अचार ले लो और